पूरी वन्यप्राणी वनखंडरे आजिठु आरंभ होईछि पक्षी गणना। कोणार्क अस्तरंग गोप बालुखंड एवं ब्रह्मगिरी चलिछि पक्षी गणना। सकाळ 6टा रो मध्यान 12टा पर्यंत गणना चलिबो। तेबे एथिरे नियोजित होईछन्ति 25टी टीम। प्रति टीम रे अछन्ति 4 रो 5 जन सदस्य। पक्षी गाइड बुक, बायनाकुलर, फोटोग्राफी एवं भिडियोग्राफी माध्यम रे होउछि पक्षी गणना। सेपटे एशिया महादेशर सर्वबृहत द्वितीय माटियाड़ी बंध सुवर्णरेखा जम्भीरा बंधरे विदेशी पक्षी गणना जारी रही, जहां मयूरभंज जिला सोलियापदा ब्लक देउड़ीठारे अवस्थित। यार प्राकृतिक परिवेश वर्ष तमाम पर्यटकों आकृष्ट करने सहित शीत ऋतु में विदेशी पक्षी आगमन होता है। आज बारीपदा वन विभाग डिविजन पक्ष पक्षी गणना जारी रही। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने ब्रह्मगिरी आम सहित कालुचरण साहू जोड़ मयूरभंज जिला सोलियापदारू जम्भीरा बंधु जयंत धड़ा आम सहित जोड़ जयंत आप निकट को प्रथम आसपा चाहिए। जयंत जेहेतु आज सेठे पक्षी गणना आरंभ हो केमती कौन परिवेश देखुं पूरा माहौल केमती रही जयंत? सोलियापदा ब्लक जो रही जम्भीरा बंध ये एशिया महादेश सर्वबृहत द्वितीय माटियाड़ी बंध। सर्वप्रथम तार चित्र देखी देखते कि प्राकृतिक परिवेश बार मास पर्यटक को आकृष्ट करता है। विदेशी पक्षी शीत समय पक्षी आगमन होता है। सीधा सड़क आम सहित जो अच्छा बारीपदा बनखंड जो एस रविन्द्र महांती सहित सीधा सड़क आलोचना करवा सर आप स्वागत कौन कहे सर कि पक्षी गणना आज चलिए और केम मत बारीपदा प्राकृतिक वेटलैंड कर गणना जारी रहा। आज जेहतु गणना जारी रही संख्यक पक्षी एकत्रित होती विदेशी पक्षी आप नजर रखि था आसबि आपण को कालुचरण। कालुचरण जेहतु बर्तमान सेठे पक्षी गणना जारी रही केमती कौन परिवेश देखुं केतोटी टीम नियोजित होती कौन कौन सब उपकरण सेठे व्यवहार कर मंदाकिनी पुरी वन्यप्राणी वनखंड अधीन कोणार्क अस्तरंग गोप बालुखंड ब्रह्मगिरी रेंज रे पक्षी गणना सकाळ 6टा ठारु आरंभ होईछि आ मध्यान 12टा पर्यंत मध्ये पक्षी गणना कार्य नेते बाबरे जेमते आपण काळु कहुतले पक्षी गणना कार्य मध्ये मध्यान पक्षी गणना कार्य मध्यान 12टा पर्यंत चलिबो। एवं विशेष भाव जी ब्रह्मगिरी रेंज देखा जावा जेहेतु चिलिकार निकटवर्ती रही चिलिकार आर्द्रभूमि रही विदेशागत पक्षी संख्या आकलन करुच्ची वन विभाग आ वन विभाग गोटे टीम पाखापाखि ब्रह्मगिरी पाखापाखि 4टी टीम गठन होती आउ 4टी टीम गोटे टीम 4-5 जन लेखा सदस्य रही एक्सपर्ट मान रही पक्षी विशारद मान रही परिवेशविद मान रही वन विभाग कर्मचारी मान रही वन विभाग अधिकारी मान रही आउ पूरा ये घटना को अर्थात ब्रह्मगिरी रेंज 4टी टीम को पूरा कंट्रोल करी एसीएफ जी आसी से पूरा 4टी टीम उपर नजर रखिंट पक्षी गणना सठिक कार्य सठिक ढंग से होपर नजर रखिंट बास्तव में चलित बर्ष विदेशागत पक्षी केते ब्रह्मगिरी अंचल पूरी वन्यप्राणी वनखंड अधीन के पक्षी आसू पूरा गणति कर आकलन करते मध्यान 12टा पर प्रत्येक टीम अर्थात 25टी टीम जो गणना कार्य शेष हो क्यों प्रजातिर केते पक्षी आसे संख्यार पक्षी आ तापर ही रिपोर्ट स्पष्ट हो पार किंतु पक्षी गणना कार्यपाई जमी प्रत्येक वर्ष बायनाकुलर साहय दि जाए फोटोग्राफी भिडियोग्राफी कर गाइड बुक साहय दि जाए पक्षी चिन्ह करने आउ जो टीम मान रही केत संख्यार पक्षी आसुच्च नोटबुक मध्यम पूरा रिपोर्ट रखुच्च आउ अपेक्षा रध्यान पर्यटन मध्यान 12टा पर ही स्पष्ट हो पार जेते के पूरी वन्यप्राणी वनखंड अधीन रही जो 5टी स्थान में पक्षी गणना चलती केत पक्षी आसी के प्रजाति पक्षी आसा गत वर्ष अपेक्षा चलित बर्ष पक्षी संख्या वृद्धि पाँच ना ह्रास पाऊपर एवं समस्त नजर रखे पूरा जमी कुहुरी जेहतु रही तो पाखापाखि 9टा समय पर 9टा समय पर भी कुहुरी जेहतु आच्छादित पूरा रही पक्षी
ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ବା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ତଥାପି ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ବାଇନାକୁଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ପୁରା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କି ତଥାପି ଯେଉଁ ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇନାକୁଲର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେହେତୁ ପୁରା ଯେମିତି ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ର ପକ୍ଷୀ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଜାରି ରହୁଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲୁଛି। ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂରାପୂରି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।